वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज चैप्टर नंबर 6 एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस जो डे बाय डे हम अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम अपने रिमेनिंग ऑप्शंस को देखेंगे। लास्ट क्लास में हम पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर थे। पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर हमने अलाइनमेंट के ऑप्शन देखे थे कि लाइट लेफ्ट सेंटर आप अलाइनमेंट कैसे बना सकते हैं और उस पर क्या क्या हमने काम किया था, और उसी के साथ हमने यहाँ पर जो है वो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग भी देखी थी। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि बाकी के रिमेनिंग कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है, और इसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पर बॉर्डर्स का ऑप्शन है। तो ये क्या काम करते हैं आज इसकी हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन हमारे पास जो इसमें काम होता है, उसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स को प्रोमिनेंट कर सकते हैं पूरी एक रॉ बनाकर। तो उसमें आप डिफरेंट जो है वो कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये देखें डिफरेंट कलर्स वगैरह हैं, और इसके अलावा मोर कलर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना सकते हैं। तो जैसे हमने फॉन्ट के सेक्शन में देखा था कि हम मल्टीपल कलर जो है यहां से बना सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अगर आपके पास यहां पर कोई भी पैराग्राफ या कोई भी ऐसी हेडिंग्स डली हुई इस तरीके से, तो अगर आप यहां पर इस तरीके से किसी भी एक वर्ड को हाईलाइट करते हैं, तो अगर आप प्रोवाइड वर्ड को सिलेक्ट करके इसके ऊपर शेड कलर अप्लाई करते हैं, तो शेड कलर्स देखें अभी सिर्फ उसी टेक्स्ट के ऊपर हो रहा है जिस पे मैंने अप्लाई किया हुआ। अब ये आगे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, इसकी वजह यह है क्योंकि इसके आगे जो है वो यहाँ पर हमारे पास टेक्स है। तो जब आगे इसको स्पेस नहीं मिल रही है, तो इसने सिर्फ इसी टेक्स के ऊपर जो है अपना शेड कलर यहाँ पर अपने अप्लाई किया हुआ। अगर हम यहाँ पर जो काम करते हैं टेक्स अफेक्ट्स का, तो टेक्स अफेक्ट भी उसी टेक्स के ऊपर अप्लाई होता है जो हम टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, जब हम अपनी हेडिंग्स को या अपने टेक्स को जो है वो सेपरेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वर्ड सेलेक्ट कर लिया वीडियो, अब अगर हम इसको चेंज करते हैं कि डिफरेंट कलर्स के ऊपर जो शेड्स देंगे, आप देखें टेक्स्ट हाईलाइट जो होता है वो सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट के लिए होता है जो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा था, और शेडिंग्स जो होगा वो इस तरीके से काम करेगा। देखें यहाँ पर एज अ एक हेडिंग के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि अगर आपको डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह देनी हो आपको, तो देखें शेड्स में, अब देखें इस टेक्स्ट के आगे कोई भी टेक्स्ट नहीं था, तो देखें इसने पूरा हमें पेज के ऊपर इस तरीके से एक प्रॉपर जो है वो एक बार बना के दे दिए। अब यहाँ देखें अगर हम इस तरीके का बार का ऑप्शन अगर हम लास्ट में बनाते हैं, अब लास्ट में कैसे बनाएंगे, जैसे इस कर्सर के नीचे अभी हमारा कर्सर नहीं जा रहा, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक हेडिंग के नाम से या कोई भी एक वर्ड टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने नाम रख दिया हेडिंग्स, अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मैंने जब इसको सेलेक्ट कर लिया और डिफरेंट कलर से जो है मैंने हाईलाइट करवा लिया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ हाईलाइट तो हो गया, लेकिन मुझे ये सिर्फ हेडिंग बनानी है, अब मुझे नीचे इसके नीचे पैराग्राफ वगैरह टाइप करना है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखें ये हेडिंग जो होती है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, जितने एंटर करूंगा तो ये जो फॉर्मेट जो हमने अप्लाई किया है शेड का, तो ये बढ़ता चला जा रहा है। बैक स्पेस करूंगा तो ये कम हो जाएगा, लेकिन मुझे हेडिंग के ऊपर ही सिर्फ ये शेड रखना है, इसके अलावा मुझे शेड नहीं चाहिए, और मुझे कर्सर भी नीचे लेके आना है। तो कर्सर को नीचे लाने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करते रहेंगे तो नहीं आएगा, आपने एंटर किया तो आपका जो शेड है वो बढ़ जाएगा। तो आपने क्या काम करना है, डबल क्लिक करना है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें कर्सर आपका नीचे आ जाएगा, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो कर्सर नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर जितने भी चाहे कोई भी वर्ड्स जो है अपने डॉक्यूमेंट की टाइप करना शुरू कर दें, उसके बाद अगर आप मजीद इसके अंदर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग 2 कर दिया और इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर हमने शेड अप्लाई कर दी, तो देखें अब आपके पास सेकंड हेडिंग्स की जो फॉर्मेट होगी वो आपके पास इस तरीके से बन जाएगी। एंटर करेंगे तो शेड बढ़ जाएगा, नीचे लाने के लिए हम डबल क्लिक कर देंगे ताकि आपका कर्सर जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इस तरीके से जो है वो शेड्स का इस्तेमाल हो सकता है कि आप चाहे इसको हेडिंग के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ देखें आपके पास है बॉर्डर, अब बॉर्डर क्या काम करता है, तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से टाइप कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट करके टाइप कर लिया, तो इसके ऊपर जो है वो शेडिंग्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन था क्लियर ऑल फॉर्मेट का, इसके ऊपर हमने क्लिक किया
तो आपका जो टेक्स्ट था वो बाय डिफॉल्ट जैसा था पहला वैसा ही हो गया। अब देखिए बॉर्डर हमारे पास क्या काम करता है, डिफरेंट बॉर्डर है, बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, इनसाइड, डिफरेंट बॉर्डर्स है। अब ये जैसे अप्लाई करेंगे हम इसको, अगर आप पूरे टेक्स्ट के साथ यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अपने पैराग्राफ को, तो अब देखें हमारा बॉटम बॉर्डर बनेगा नीचे वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने पूरे सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। बॉटम बॉर्डर में देखें आपके पास बॉटम बॉर्डर आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर करते हैं टॉप बॉर्डर, तो देखें टॉप पर आ रहे हैं, लेफ्ट बॉर्डर देखें लेफ्ट पे आ रहे हैं, राइट बॉर्डर करूंगा तो आपके जो है वो राइट साइड पे बॉर्डर आएगा इस तरीके से, और ऑल बॉर्डर करूंगा तो देखें ऑल बॉर्डर का आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है ऑल बॉर्डर, आउटसाइड तो देखें सिर्फ बाहर की तरफ से जो है वो आपके बॉर्डर बना रहे हैं, यानी आपके पैराग्राफ को कवर कर रहा है। इनसाइड करूंगा तो देखें सिर्फ अंदर की तरफ से देखें आपके पास जो है वो बॉर्डर कवर हो रहे हैं, यानी कि जितने पैराग्राफ थे उन सिर्फ पैराग्राफ के इनसाइड यानी अंदर की तरफ आपकी लाइंस ड्रॉ हो रही है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये तीन पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें अब मेरा जो बॉटम बॉर्डर गिराएगा वो बॉटम बॉर्डर मेरे सबसे नीचे लास्ट वाला गिराएगा, नहीं ये यानी कि यहाँ तक, क्योंकि मैंने सिलेक्शन बनाई थी इन तीन पैराग्राफ की। अगर मैं यहाँ पर इन दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और यहाँ मैं करता हूँ लेफ्ट बॉर्डर, तो देखिए लेफ्ट बॉर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ दो पैराग्राफ सिलेक्ट किए थे। जितने पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे उतने ही बॉर्डर आपके अप्लाई होंगे। देखें पहला पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और इधर मैंने अप्लाई कर दिया राइट बॉर्डर, तो देखिए राइट बॉर्डर आपका इस तरीके से अप्लाई हो गया। इस तरह आप अगर बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो यहाँ आप कर दें नो बॉर्डर, तो देखें यहाँ से आपका लेफ्ट और बॉटम और राइट हट गया बॉर्डर। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस पैराग्राफ को और इधर भी आप करते हैं नो बॉर्डर, तो देखें यहाँ से भी बॉर्डर हट गया। इस तरह अगर आपको सबसे बॉर्डर हटाने हो तो कंट्रोल ए करके एक ही बार ऑल सेलेक्ट करें और यहाँ से जो है वो आप यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें, तो इससे क्या होगा कि सारे जो बॉर्डर्स होंगे आपके पास लेफ्ट राइट सेंटर इसमें ऑल बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर वो सारे आपके बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब ये आपके पास तो फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि शेडिंग और बॉर्डर दोनों क्या काम करते हैं। अब इसके बाद एक और फंक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये जो फंक्शन है शो एंड हाइड का फंक्शन है। अब ये फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसमें हम आपको लाजमी बताएंगे ताकि आपकी नॉलेज में रहे कि ये फंक्शन क्या काम करता है, और एज अ इंटरव्यू में किसी भी टेस्ट के अंदर आपसे इस फंक्शन के बारे में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये फंक्शन जो आपके पास जो इस तरीके से उल्टा पी शेप या सिंबल बना हुआ है, ये आपके पैराग्राफ को काउंट करता है कि आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने हैं, स्पेसिंग कितनी है और आपके जो है टैब्स हैं वो कितने हैं। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने हैं, जितने पैराग्राफ होते हैं हर पैराग्राफ के आगे ये सिंबल बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हर पैराग्राफ के आगे यहाँ पर ये सिंबल बन गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ इसका मतलब मैं नया पैराग्राफ बना रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ यानी कि मैं नए पैराग्राफ में आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा। या अगर आप कुछ भी इस तरीके टाइप करें एंटर करें तो देखें आपके जो है वो हर पैराग्राफ के आखिर में ये साइन बना हुआ आ जाएगा। तो ये आप क्या होगा, आपको मालूम होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने हैं। आप जैसे ही इसको एक्टिव डीएक्टिव कर देंगे तो आपके पास वो सिंबल हाइड हो जाएगा। अब जब यहाँ से इस टेक्स्ट को आप डिलीट कर दें इस तरीके से, अब देखें नीचे की तरफ ये सिंबल जो है वो शो नहीं करेगा क्योंकि आपने पैराग्राफ रिमूव कर दिए, अब सिर्फ वहीं पर दिखाएगा जितने आपके पैराग्राफ राइट हुए। इसी तरीके से अगर आपका कर्सर आगे की तरफ जाता है तो हमें कैसे मालूम होगा कि आपका यहाँ से कर्सर मूव हुआ है, अगर यहाँ तक आता है सेंटर तक आता है या सेंटर से आगे चला जाता है तो आपने यहाँ पर टैब यूज किया या स्पेस बार। अगर आप स्पेस बार यूज करते हैं, जैसे देखें स्लो मूव कर रहा है स्पेस बार, और टैब यूज करते हैं तो ये फास्ट मूव करते हैं। स्पेस बार जब यूज करते हैं तो डॉट आएगा और अगर टैब यूज करते हैं तो एरो बना हुआ आएगा। कैसे देखें, जैसे हम एक्टिव करते हैं, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें जैसे हम स्पेस बार यूज कर रहे हैं तो देखें डॉट इट बने आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर टैब यूज कर रहे हैं तो देखें टैब से क्या हो रहा है, एरो बन रहे हैं। स्पेस बार से डॉट बनते हैं और टैब से एरो बनते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे बिफोर, बिफोर एक वर्ड है, हर वर्ड के बाद हम यहाँ पर स्पेस देते हैं तो स्पेस की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। यू हमने लिखा, यू के बाद हमने स्पेस दिया, फिर रीच लिखा, रीच के बाद स्पेस दिया, दा लिखा, तो इस तरीके से हम जब भी कोई भी वर्ड टाइप करते हैं उसके बाद स्पेस देते हैं तो स्पेस में यानी कि इसने क्या प्रेजेंट किया है, जितने भी हम यहाँ स्पेस बनाएंगे स्पेस आपको डॉट से प्रेजेंट करेगा
और आपको टैब जो है वो एरो से प्रेजेंट करेगा। तो इस एरो को यानी कि इस सिंबल का क्या इस्तेमाल है, इससे आप पैराग्राफ काउंट कर सकते हैं और डॉटेड और टैब वगैरह मालूम कर सकते हैं कि कितने आपने अप्लाई किए हैं। जैसे आप इसको डीएक्टिव कर देंगे तो वो सारे सिंबल्स जो थे जो आपने यहाँ पर अप्लाई किए थे स्पेस बार के टैब के वो सारे आपके हाइड हो चुके हैं। तो ये था फंक्शन हमारा जो सिंबल का कि ये क्या काम करते हैं, और बाकी हमने बॉर्डर का भी हमने फंक्शंस कवर किए हैं और शेड को भी हमने कवर किया है कि ये तीनों फंक्शंस क्या काम करते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लाजमी हमें कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर सकें। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।